नेपाल सरकार ने ये जो 200 का नोट और 500 का नोट और आपका 2000 को भारतीय जो रुपया है अभी इसको जो प्रतिबंध किए हैं, इससे पर्यटन में बहुत ज़्यादा असर भी पड़ेगा, क्योंकि इससे ये सब नोट बंद करने से बहुत ज़्यादा पर्यटन जो पर्यटक आते हैं विदेश से भी आते हैं, भारत से भी आते हैं, और उनको ये जैसे अब बड़ा नोट ले गया, बड़ा नोट लाने से उनको थोड़ा सा आराम रहता था शॉपिंग करने के लिए अथवा रुकने ठहरने के लिए। इसमें नेपाल में ज़्यादा पर्यटन व्यवसाय में भी और चीज़ में भी ज़्यादा लाभ भी होता था। अगर इसे करने से, अगर ये जो नोट बंद करने से नेपाल में जो पर्यटन में बहुत ज़्यादा कमी भी होगी, तो और जैसे नेपाल के यहाँ के जैसे गोरखा आर्मी में भी हैं और प्लस और भी जाकर नेपाल के लोग जाकर भारत में नौकरी भी करते हैं, और वो भी क्या होता कि जब जैसे छोटा नोट लाने से थोड़ा उनको इजी रहता ट्रेन वगैरह में बस वगैरह में भी समस्या ना हो। और ये जो कदम अभी उठाया गया है कि बड़ा नोट को जो नेपाल में प्रतिबंध किया गया है, उससे थोड़ा उन लोग को भी दिक्कत भी होगी। मैं इसी टूरिज्म सेक्टर से काम कर रही हूँ, तो इससे जब ये नेपाल सरकार ने ये इंडियन करेंसी बैन कर दिया तो बहुत तकलीफ हो रही है, और वो ये 500, 200, 2000 का नोट बैन कर दिया है तो बहुत तकलीफ़ हो रही है। जब इंडिया से लोग आते हैं उनके पास तो बड़े बड़े नोट होते हैं, इधर ही एक्सचेंज करने के लिए आते हैं, तो इधर कर नहीं पाते तो आगे घूम नहीं पाएंगे, तो इससे हमें बहुत तकलीफ़ होती है। और जब नेपाल सरकार ये वापसी लेंगे तो हमारा वो होता है ना, क्या बोलते हैं, अच्छा हमारा कॉपरेशन अच्छा होता है, हमारा बिजनेस अच्छा होता है, सबका बिजनेस अच्छा होता है, हमारा एक अच्छा रिलेशन भी बन जाता है। अगर बैंडी कर देंगे तो वहाँ से लोग आने बंद कर देंगे, इधर कुछ नहीं होगा तो कैसे होगा इनकम, प्रॉफिट कुछ भी नहीं होगा ना। इसीलिए मैं नेपाल सरकार से दरख्वास्त चाहती हूँ कि वो जो 500-2000 का नोट है वो वापसी कर दे।